अभिनेत्री जैकलीन जितनी अपनी फिल्मों की वजह से चर्चाओं में नहीं रही, उससे ज्यादा वो अपने बॉयफ्रेंड ठग सुकेश चंद्रशेखर की वजह से चर्चाओं में है। इतनी लंबी लंबी ठग सुकेश जो है वो छोड़ता है कि मतलब लोग सोच भी नहीं सकते। अब कल ही जो है जैकलीन का जन्मदिन था, तो जैकलीन के जन्मदिन पर अब सुकेश चंद्रशेखर को जो है अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया जैकलीन के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस जन्मदिन जो है मैं तुम्हें तुम्हारा पर्सनल यॉट गिफ्ट करने वाला हूँ, और उस पे लिखा होगा लेडी जैकलीन। इसके साथ ही सुकेश ने ये भी वादा किया कि तुम्हारा जो गाना है यमीमी वो जो प्रमोट करेगा फैन, तो ऐसे 100 फैंस को मैं आईफोन 15 जो है वो गिफ्ट करूंगा। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने ये भी लिखा कि अगला जन्मदिन यानी अगले साल 2025 में जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो उस वक्त हम दोनों एक साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। आपको बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर जो है 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के जेल में बंद है, और वहां से अक्सर वो जैकलीन को जो है वो खत लिखा करता है। पहले से ही शादीशुदा है सुकेश चंद्रशेखर, लेकिन जैकलीन पर उसका दिल आ गया। इससे पहले भी कई जो आइटम गर्ल होती हैं, आइटम नंबर्स जो करती है एक्ट्रेस, उन पे सुकेश जो है वो दिल आ चुका था, और उन्होंने उनको भी जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी एक्ट्रेस थी वो थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट निकली और वो सुकेश के चंगुल में नहीं फंसी। लेकिन जैकलीन जो है पैसे को देख के बहक गई या क्या कुछ हुआ, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने जो है वो सुकेश के साथ अपना रिश्ता कायम किया, और सुकेश ने उनकी जो पर्सनल तस्वीरें होती हैं वो सारी लीक कर डाली, और अब जेल से भी जीने नहीं दे रहा वो जैकलीन को। जैकलीन कई बार कमेंट कर चुकी है कि भाई इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर अपनी इस गर्लफ्रेंड, खूबसूरत गर्लफ्रेंड को हाथ से जाने नहीं देता, और इसीलिए वो तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है। कभी यॉट गिफ्ट करेगा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब लाखों करोड़ों अरबों से कम में तो बात ही नहीं करता ठग सुकेश। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे इस तरह के जो रिश्ते होते हैं क्या किया जाए, या फिर अभिनेत्रियों के लिए सबक है कि भाई पैसों से ज्यादा ना जरा इंसान को भी देख लो, परख लो, तब जाके दोस्ती करो। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जैकलीन वाला जो मुद्दा है ना वो अब मुद्दा नहीं रहा है, वो अब एक फन हो गया है सुकेश के लिए, क्योंकि वो अक्सर अब ये हरकतें करने लग गया है एक एक्ट्रेस को लेकर। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश की वजह से जैकलीन का भी नाम आया था, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन उसके बावजूद जो है सुकेश चंद्रशेखर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड का यानी कि जैकलीन का जो है पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या ये सबक है उन एक्ट्रेसेस के लिए जो कि प्यार से ज़्यादा पैसे को देखती हैं? कमेंट करके बताइएगा।